हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट प्रॉब्लम। जैसे कि आपके फ़ोन में इंटरनेट से कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल इंटरनेट है जैसे कि 4G या 5G है, आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट मतलब नेट ऑन है, पर यहाँ पर कनेक्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब 4G 5G पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे हम इंटरनेट में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लाइक कर दीजिए। सबसे पहले सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और बैकअप एंड रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रीसेट फ़ोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई है और ब्लूटूथ है, इंटरनेट है, मोबाइल इंटरनेट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको तो वहीं से ही सॉल्व होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, रीसेट कर देते हैं और जैसे ही आपको ये रीसेट हो जाएगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे इसमें वाईफाई में प्रॉब्लम हो, ब्लूटूथ में या फिर मोबाइल इंटरनेट में, तो मेरे को मोबाइल इंटरनेट में प्रॉब्लम है और देख सकते हैं मेरा हो चुका है रीसेट और मेरी जो प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।